भारतीय संगीत को सरोद की स्वर लहरियों से समृद्ध करने वाले सुप्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खां का जन्म ग्वालियर में 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ग्वालियर में संगीत के सेनिया बंगश घराने की छठी पीढ़ी में जन्म लेने वाले अमजद अली खां को संगीत विरासत में प्राप्त हुआ था। उनके पिता उस्ताद हाफिज अली खां ग्वालियर राजदरबार में प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थे। इस घराने के संगीतज्ञों ने ही ईरान के लोकवाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित कर सरोद के नाम से प्रसिद्ध किया। एक सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा था जहां छोटे से बालक की सरोद पर अनूठी लयकारी और तंत्रकारी सुनकर दिग्गज संगीतज्ञ दंग रह गए। ये बालक थे उस्ताद अमजद अली खां और उस वक्त उनकी आयु थी मात्र 12 वर्ष। महज 12 साल की उम्र में एकल सरोद वादन का ये उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। अमजद अपने पिता के ही शिष्य थे जिन्होंने सेनिया घराना सरोद वादन में परंपरागत तरीके से तकनीकी दक्षता हासिल की। उस्ताद अमजद अली खान ने शास्त्रीय संगीत में अभिनव परिवर्तन के अलावा गायन और वाद्य संगीत की रचना की। उन्होंने भरतनाट्यम नृत्यांगना शुभा लक्ष्मी के साथ शादी की। 1963 में उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में पहली अमेरिकी यात्रा की। इस यात्रा में पंडित बिरजू महाराज के नृत्य दल की प्रस्तुति के साथ अमजद अली खां का सरोद वादन भी हुआ था। उन्हें रोस्टम पुरस्कार, यूनेस्को पुरस्कार, कला रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और तानसेन सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की 20 महान हस्तियों के जीवन और योगदान पर मास्टर ऑफ मास्टर्स नामक एक किताब भी लिखी है। उस्ताद अमजद अली खां ने शास्त्रीय संगीत में अभिनव परिवर्तन के अलावा बच्चों के लिए गायन और वाद्य संगीत की रचना की। उन्होंने राग प्रियदर्शिनी और राग कमल श्री की रचना की। उनके द्वारा रचित अन्य रागों में शिवांजलि, हरिप्रिया कानदा, किरण रंजनी, सुहाग भैरव, ललित ध्वनि, श्याम श्री और जवाहर मंजरी शामिल हैं। वर्तमान में उस्ताद अमजद अली खां के 2 पुत्र अमान और अयान सहित देश विदेश के अनेक शिष्य सरोद वादन की पताका फहरा रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट। नमस्कार।